जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति बनाई गई है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, जीडीए उपाध्यक्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं, एडीएम फाइनेंस समिति के मेंबर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के 9 अधिकारी इस समिति में स्थायी सदस्य हैं तथा 6 अधिकारी निजी व्यक्ति सम्मिलित करते हुए एक संस्कृति समिति भी बनाई गई है। सुरमई गोरखपुर का उद्देश्य है कि रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 बजे से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। जो भी कलाकार जिस कला, नृत्य, गायन, वादन जिस क्षेत्र के होंगे, संस्कृति समिति द्वारा उनका चयन किया जाएगा तथा सुरमई गोरखपुर .com से एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, जो कि जल्द लॉन्च हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति बनाई गई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, वीसी जीडीए साहब उपाध्यक्ष हैं, मैं उसमें मेंबर सेक्रेटरी हूं। जनपद के कुल 9 अधिकारी इसके स्थायी सदस्य हैं, 6 अधिकारी और उसमें निजी व्यक्ति भी सम्मिलित होते हुए एक सांस्कृतिक समिति भी बनाई गई है। सुरमई गोरखपुर का उद्देश्य ये है कि हमारा जो रामगढ़ ताल है, जिसको वहाँ पर एक बोट जेट्टी है, वहाँ हम लोग प्रत्येक शनिवार को सायंकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच गोरखपुर के उदीयमान कलाकारों को मौका देंगे कि वो वहाँ अपना परफॉर्म करें। जो भी जिस भी कला क्षेत्र के होंगे, जैसे नृत्य है, गायन है, वादन है, जिस भी क्षेत्र के होंगे, हमारी एक सांस्कृतिक समिति होगी जो उनका चुनाव करेगी। हम अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं सुरमई गोरखपुर .com करके, जल्दी ही वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। इस संबंध में आगे जो कार्रवाई होगी, विस्तृत विवरण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कोई डेट भी फिक्स है? अभी इसकी डेट तय नहीं हुई है, तैयारी होते ही डेट तय हो जाएगी।